अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the exclamatory sentences. Exclamatory sentences का मतलब होता है विस्मयादी बोधक वाक्य. Okay friends, अभी हिंदी में आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा. Exclamatory मतलब जिसमें हम exclaimed होते हैं, जिसमें हम joy, happiness, sorrow, hatred, dislike और surprised बताते हैं sentences के द्वारा, उसको हम exclamatory sentences कहते हैं. ज़्यादातर sentences में हम किसी भी चीज़ से आश्चर्यचकित होकर या ज़्यादा प्रसन्न होकर बोलते हैं या ज़्यादा दुखी होकर बोलते हैं, तो या नफ़रत या खुशी, आनंद, प्यार, ये सब हम किसी सेंटेंस में जताते हैं तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इन सब शब्दों का, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल अगर हम चकित होकर बोलते हैं तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि विस्मय में बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम हाउ लगाकर ज़्यादातर बोलते हैं, जैसे कितना सुंदर, हाउ ब्यूटिफुल, कितना मधुर, हाउ स्वीट. बट अगर वहीं पर हम एडजेक्टिव की जगह पर अगर हम किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम ज़्यादातर सेंटेंसेस को व्हाट लगाकर बनाते हैं, जैसे कैसा प्यार, व्हाट अ लव, कैसा सपना, व्हाट अ ड्रीम, कैसी जगह, व्हाट अ प्लेस. ओके फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते जाएंगे कि कहाँ पर व्हाट और कहाँ पर हाउ का इस्तेमाल करेंगे और एक्चुअली में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. वह कितना तेज है, हाउ इंटेलिजेंट ही इज. वह कितनी भोली है, हाउ सिंपल शी इज. अगर इसमें हम कितना तेज है, वह कितना तेज है की जगह वह कितना तेज लड़का है, वह कितनी भोली लड़की है, ऐसा बोलते हैं, फिर इसको हम ऐसे बनाएंगे कि वह कितना तेज लड़का है, व्हाट अ इंटेलिजेंट बॉय ही इज. वह कितनी भोली लड़की है, व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज. ध्यान रहे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यानी कि सेंटेंस के आखिर में होता है. आप यहाँ पर ऐसे मत लिखना जैसे वह कितना तेज है, हाउ इंटेलिजेंट इज ही. अगर आप ऐसा बोलते हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हो जाएगा कि वह कितना तेज है, वो पूछा जा रहा है कि हाउ इंटेलिजेंट इज ही, ये गलत होगा. इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होगा. हमेशा इज, आर, एम, वाज, वेयर जो भी है उसका इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस के आखिर में ही होता है. ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं. वह कितना अजीब आदमी है, हाउ पिक्यूलियर द मैन इज. कैसी काली रात है, हाउ डार्क द नाइट इज. व्हाट अ डार्क नाइट इट इज. ऐसा भी बोल सकते हैं, वह कितनी लंबी है, हाउ टॉल शी इज. वह कितनी लंबी लड़की है, व्हाट अ टॉल गर्ल शी इज. अब हम किसी भी सेंटेंस में कुछ करने की बात अगर हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे. वह कितने ध्यान से सुनता है, हाउ अटेंटिवली ही लिसन्स. वह कितनी खुशी से गाती है, हाउ हैप्पीली शी सिंग्स. वह कितनी सावधानी से गाड़ी चलाता है, हाउ केयरफुली ही ड्राइव्स. वह कितना तेज दौड़ रही है, हाउ फास्ट शी इज रनिंग. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर
इज आर एम या जो भी वाज वर्ब या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, और सब्जेक्ट बाद में आता है इसमें, सेंटेंस में पहले नहीं आता है। जैसे हम बोलेंगे वह कितना तेज दौड़ रही है, हाउ फास्ट सी इज रनिंग बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाउ फास्ट इज सी रनिंग। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। कितनी होशियारी से आपने मुझे बचाया, ये जो है ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंसेस है, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। कितनी होशियारी से आपने मुझे बचाया, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू सेव मी। कितनी दयापूर्वक आपने मेरी मदद की, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। कितनी बेवकूफ़ी से उसने पत्थर फेंकी, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू थ्रो स्टोन्स। कितनी बदमाशी से उसने कुत्ते की पूंछ खींची, हाउ विक्ड ऑफ हिम टू पुल द डॉग बाय द टेल। ओके फ्रेंड्स, अभी हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें घृणा या नफरत का भाव दिखाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ऐसा आदमी और मेरा पति, सच अ मैन एंड माय हस्बैंड। मेरा पुत्र और इतना नीच, माय सन एंड सो मीन। ऐसा बेईमान और हमारा नेता, सो डिसऑनेस्ट एंड आवर लीडर। ऐसी क्रूर और मेरी प्रेमिका, सो अगली एंड माय बिलव्ड। इसमें हम आपने दो चीज़ देखा, सच और दूसरा सो। तो ऐसा आदमी और मेरा पति, सच अ मैन एंड माय हस्बैंड, इसमें हम सो लगाकर भी बना सकते हैं। कि सो लगाकर हम कब बनाएंगे, जब सच अ मैन शुरू में हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैन नाउन हो गया, तो नाउन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सच लगाएंगे, बट अगर हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सो लगेगा। जैसे ऐसा बेईमान और हमारा नेता, इसमें बेईमान क्या हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया बेईमान। ओके फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर हमने सो लगाया। यहाँ पर ऐसा आदमी और हमारा नेता, ऐसा अगर हम बोलते तो आदमी क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन होता फिर यहाँ पर सच अ मैन हम सच लगा सकते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सच कहाँ पर लगाएंगे और सो कहाँ पर लगाएंगे। ऐसी क्रूर और मेरी प्रेमिका, सो अगली एंड माय बिलव्ड। अगर इसी को हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसी लड़की और मेरी प्रेमिका, सच अ गर्ल एंड माई बिलव्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। लॉटरी मिलना कितना आश्चर्यजनक, यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। कि लॉटरी मिलना कितना आश्चर्यजनक, टू थिंक ऑफ विनिंग अ लॉटरी। तुमसे यहाँ मिलना कितना आश्चर्यजनक, टू इमेजिन मीटिंग यू हियर। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में टर्न करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे। जैसे कितना लंबा आदमी है वह, या वह कितना लंबा आदमी है, इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे हाउ टॉल दैट मैन इज। अगर इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बोलना चाहे तो ऐसा बोलेंगे कि दैट मैन इज वेरी टॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। कितना सुंदर फूल है यह, या यह कितना सुंदर फूल है, तो इसको हम अगर हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो होगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसमें हम कैसे बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, और उसको हम पहचानते कैसे हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये, और उसको बनाते कैसे हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहे, वो भी मुफ्त में। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।